हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये जो हमारी प्लेलिस्ट होगी, इसमें हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस बुक के अंदर, ये हमारी जो बुक है इलेक्ट्रिक सर्किट्स फ्रॉम चार्ल्स अलेक्जेंडर एंड मैथ्यू एंड सेडिको, इस बुक के हम जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, और फिर इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, और इसके जो रिव्यू क्वेश्चंस होंगे इनको हम एक दफ़ा सॉल्व करेंगे। सो ये वन बाई वन एक एक वीडियो आपके साथ आपको पहुंचती जाएगी इंशाल्लाह, और आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट जितना इजी हो सके विद कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा सके। सो नेक्स्ट, सबसे पहले हम जो चीज़ स्टार्ट करेंगे वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसको हम रीड आउट कर लेते हैं कि कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय 6 मिलियन प्रोटॉन्स। सो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, हमने चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। इसको ये क्यू है हमारे पास जिसको हमने फाइंड आउट करना है, और गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 6 मिलियन प्रोटॉन्स। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास प्रोटॉन है इसका मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि अगर आपके पास जो चार्ज होता है, इन केस के अगर वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कितना है, एक सिंपल एक वन इलेक्ट्रॉन है, और अगर यही मेरे पास एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यही वैल्यू उसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। सो वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, ये वन प्रोटॉन की आ गई। अब जो कि हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 6 मिलियन प्रोटॉन्स। सो 6 मिलियन के लिए, अब मिलियन की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1 × 10⁻¹⁹, ठीक हो गया। सो 6 मिलियन के लिए, क्योंकि 6 मिलियन है तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। सो अभी तक हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास 6 मिलियन प्रोटॉन की वैल्यू आई है। अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास है चार्ज, और चार्ज को, चार्ज का आपको पता है कि आपके पास दो फार्मूले हैं। एक हमारे पास जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है Q = IFT के, और एक हमारे पास जो इसका फार्मूला आता है वो आता है Q = NE के, जिसमें N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हमारे केस में जो चीज हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें कितने गिवन है, 6 × 10⁻¹⁵। सो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम जो क्यू का फार्मूला यूज करेंगे वो यही वाला यूज करेंगे। सो Q = 6 × 10⁻¹⁵, और एक एक प्रोटॉन की या फिर एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये 1.6। सो इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। सो 6 × 1.6 विल गिव्स यू 9.612, और ये 10 की पावर आपस में देखें वैसे सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी कूलम। सो Q = 9.612 × 10⁻¹⁹ कूलम। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2 होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, और यही फ्लो हम इंशाल्लाह बनाए रखेंगे, और सबसे पहले आपकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होगी हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी, फिर उसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे, और फिर इसके जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं वो हमारी थर्ड या फिर लास्ट प्रायोरिटी होगी। सो इस तरह से यही आपका फ्लो चलेगा इंशाल्लाह, वन बाय वन करके आपको तमाम जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करवाई जाएंगी।